नमस्कार दोस्तों, केआर ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एपिसोड में आपको कुछ नई चीज़ें, नया शूट, नया प्रोडक्ट शूट, शूटिंग की फिल्मों की शूटिंग है, सब कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रोडक्ट शूट दिखा रहा हूँ। बियर का शूट है, बियर और उसी कंपनी का सोडा है ना। और इस बियर का नाम है यंग फिशरमैन बियर, और उसी नाम से सोडा भी है। देखिए किस तरह से हम लोग शूट करते हैं, और देखकर आप आनंद लीजिए। मॉडल के साथ साथ प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको भी शूट करना पड़ता है, अलग अलग सेपरेट, अलग अलग एंगल में गिरा के, खड़ा करके, ये करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, उसको कई तरीके से, कई एंगल से उसके, जैसे बियर की बोतल है या सोडे की बोतल, तो उसके कई शूट हमको करने पड़ते हैं, ताकि कभी मॉडल पर हमारा ध्यान रहता है। मॉडल शूट के टाइम में अगर उसके हाथ में कोई जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी समझ लो ये बियर चल रहा, तो जो बियर की बोतल है उसमें अगर ग्लेयर आ गया ना, तो बाद में हम लोग पोस्ट में उसको वो बोतल हटा के जो अलग से शूट किया हुआ रहता है, वो बोतल या वो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो रख देते हैं। ये खाली फोटोशूट से ही काम नहीं बनता है, ये तो एक डेढ़ दिन का, दो दिन का काम रहता है। उसके बाद भी इसमें कम से कम 15 से 20 दिन पोस्ट प्रोडक्शन में लगते हैं, काफ़ी काम, भाई मेहनत लगती है, तब जाके एक होर्डिंग या एक बैनर या एक जो टीवी में ऐड जाता है वो तैयार होता है। Yeah.
कि देखिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद जो वाइट बैकग्राउंड हमारे लिए क्रोमा होता है, फोटोग्राफी के लिए वाइट बैकग्राउंड क्रोमा होता है। वाइट बैकग्राउंड में हम लोग बैकग्राउंड में बाद में कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे देखो ये मैंने एक रॉ फोटो डाली है, उसके बाद जो उसका डिज़ाइन बनाया, पोस्टर बनाया, उसकी फ़ोटो डाली है। तो ये हमारा काम है, यही काम हम लोग करते हैं। और चलिए दोस्तों, आज इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र में कोई नई कहानी लेकर। अपना खूब ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, है ना। तो फिर मिलने की उम्मीद में नमस्कार। मगर एक बार फिर वापस से, अगर आपको प्रोग्राम, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अच्छा हो या बुरा हो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर बुरा है तो आप मुझे समझाइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। नमस्कार।